एक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तुलसी बाबा कहते हैं जब राम जी का राज्य, राम राज्य जिसको कहा जाता है, उसमें दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप नहीं थे, क्योंकि राम जी या राम जी कृपा जिस पर हो, ठाकुर जी कृपा जिस पर, उसको तीनों ताप नहीं तपा सकते। कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक तो बड़ा साधारण सा है भैया, रोग हो गए शरीर में, रोग होना ये स्वाभाविक है, सबको कुछ ना कुछ छोटा बड़ा चलता ही रहता है। अच्छा भला ये मशीनरी में कब जंग लग जाए कोई भरोसा नहीं, अच्छी चल रही चलते चलते जाम हो गई, घुटना जाम हो गए, करवाओ नी ट्रांसप्लांट, किडनी फेल हो गई करो किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या सब, कब कहाँ ये जंग लग जाए मशीनरी कुछ नहीं पता। तो ये हो गया दैहिक। एक है दैविक ताप। दैविक ताप मतलब नेचुरल डिजास्टर, अच्छे भले बैठे थे भूकंप आ गया, ठंड बहुत हो गई, गर्मी बहुत हो गई, वर्षा बहुत हो गई, और अब तो दैविक तो इतने हो रहे हैं पूछो नहीं। हर साल जब भी हम तो सुनते हर साल यही आता है, पिछले 100 साल की सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया, अब गर्मी आएगी फिर गर्मी का 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। क्यों भैया? करी हम ऐसे काम रहे कि देवता प्रकोपित होकर के फिर उसका बदला लेते, कुछ ना कुछ होता रहता है। और भौतिक ताप, भौतिक संसार में बहुत दुख है, फाइनेंशियल दुख, रिश्तों का दुख, संबंधों का दुख, आशाओं का दुख, मन की अशांति, ये सब भौतिक है। तो ये सब तापों को भगवान खत्म कर देते हैं? बोले नहीं, खत्म नहीं करते, पर जो भगवान के नज़दीक रहता है ना, भगवान उसको इन तीनों तापों का असर नहीं होने देते उस पर। बहुत सर्दी लग रही है क्या करें, भाग जाएं? बोले नहीं, भागने से थोड़ी सर्दी खत्म हो जाएगी, स्वेटर पहन लो। बहुत गर्मी पड़ रही है तो क्या, गर्मी को गाली देने से थोड़ी गर्मी भाग जाएगी, पंखा चला लो। बारिश पड़ रही है तो बारिश को कुछ सुनाने से थोड़ी बारिश बंद हो जाएगी, छाता लेकर के छाता लगा लो, बचाव किया जा सकता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो तीनों ताप हैं ये खत्म तो नहीं होने वाले, पर तुम अपने सामने भगवान की भक्ति का सेफ गार्ड लगा लो। अब चाहे कितना भी कुछ भी हो, कितने भी ताप आए जीवन में, पर तुमसे जब कोई पूछेगा भैया कैसे हो, तो हंस के कहोगे राम जी की बड़ी कृपा है, बिहारी जी की बड़ी कृपा है, हमारे ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह है। यह है भगवान का स्वभाव। जो उनके नज़दीक जाता ना, भगवान उसको दुख में तपने नहीं देते, उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। और भगवान कौन? भगवान आनंद स्वरूप है, तो वो जो उनके नज़दीक जाता उसको भी आनंद स्वरूप बना देते हैं। इसलिए तो भगवान के संतों के दर्शन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, संतों के एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते। क्यों? क्योंकि पता है जैसे भगवान आनंद स्वरूप, ऐसे उनके संत भी आनंद स्वरूप। उनके नज़दीक जाएंगे थोड़ी देर, हमको भी थोड़ा इस दुनिया से शांति मिलेगी, परम ठंडक मिलेगी।